शंकराचार्यों की गलत बयानी जब सामने आ गई और सवाल पूछा गया, तो अब शंकराचार्यों को भी नहीं छोड़ा जाएगा और आप उनका भी मखौल उड़ाएंगे ये कह के कि ईडी का प्रेशर आ गया इसीलिए बयान बदल लिया? ये शंकराचार्य, राम, किसी का कोई ओहदा नहीं है कांग्रेस पार्टी में, कोई भी कुछ भी बोला चला जा रहा है, ना किसी की आस्था की चिंता, ना शब्दों की लक्ष्मण रेखा की चिंता। नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बातें क्यों उभर कर आ रही है, क्योंकि जिस ढंग से भाजपा ने इतने महत्वपूर्ण इवेंट का राजनीतिकरण किया है, इससे कई कई आस्थाएं हर्ट हुई है, कई आस्थाएं आहत हुई है। अगर मैं 22 जनवरी की बात करता हूं, अभी एक भाजपा के प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि अभिजीत मुहूर्त है 22 जनवरी को, तो सबसे शुभ अभिजीत मुहूर्त हमारे दृक् पंचांग में वो है चैत्र मास का शुक्ल पक्ष में नवमी, जिसे हम राम नवमी कहते हैं, उसमें अभिजीत मुहूर्त जो 17 अप्रैल को है, उस वक्त भी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती थी। लेकिन भाजपा को एक बहुत जल्दबाजी थी कि चुनाव से पहले ये प्राण प्रतिष्ठा की जाए। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये जल्दबाजी क्यों, जबकि कलश की स्थापना नहीं हुई, अमलक की स्थापना नहीं हुई, शिखर पूरा नहीं हुआ? तो अगर मैं गर्भगृह की बात करता हूं, कलश और अमलक के बिना गर्भगृह को पूर्ण माना नहीं जाता। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि अगर आप कहते हैं कि माता शबरी के नाम से विपक्ष के मन में हलचल होगी, तो रामायण में भगवान राम शबरी माता को नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं, उसमें ये वर्णन करते हैं भगवान राम कि ऐसी भक्ति जिसमें किसी भी प्रकार का द्वेष हो या किसी भी प्रकार का मोह हो, ऐसी भक्ति उन्हें स्वीकारा नहीं है। तो अगर आप राजनीतिकरण कर रहे हो इस पूरे इतने महत्वपूर्ण महोत्सव का, इतने महत्वपूर्ण दिन का, तो आप इस नवता भक्ति के विरुद्ध हो। अरे, आप शबरी माता का नाम लेते हो, भगवान राम का नाम लेते हो, भगवान राम तो वो थे जिन्होंने भाईचारे के लिए राजनीति छोड़ दी, एक पूरा राज छोड़ दिया, और आज आप उन्हीं भगवान राम पे दो भाइयों को लड़ाते हो, माता शबरी का नाम लेते हो और भक्ति उस आधार पर नहीं करते हो जिस पर की जानी चाहिए। तो मैं ये निवेदन करूंगा, अगर भगवान राम का नाम लिया जाता है तो उस आचरण का भी पालन करें जिसे हम रामचरित्र कहते हैं, जिसे हम रामायण कहते हैं। रामचरित्र मानस के बारे में आप ही के अलायंस पार्टनर्स ने क्या कहा है, इसे भी स्मरण कर लीजिए। और आप कह रहे हैं कि दो भाइयों को लड़ाया जा रहा है, मैं आपको लोकेश जिंदल जी बता दूं, ये बार बार जाति जनगणना की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इंडिया अलायंस क्या कर रही है, हिंदू से हिंदू को लड़ाने का काम नहीं कर रही? और सबसे पहले तो मैं ये कहूं, शंकराचार्यों जी को लेकर जो जिस तरह का भ्रम पैदा किया गया था, राकेश त्रिपाठी जी, मैं ये आपको बताना चाहती हूं, 8 मई 1950 को महाराज जाम साहब दिग्विजय सिंह ने शिलान्यास किया था सोमनाथ मंदिर का, 11 मई 1951 में गर्भगृह में राजेंद्र प्रसाद जी ने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी, और मंदिर कंप्लीट कब हुआ, 13 मई 1965 में, लगभग 14 साल बाद। तब अर्धनिर्मित नहीं था सोमनाथ मंदिर, क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी प्राण प्रतिष्ठा कर रही थी, आज अर्धनिर्मित है। और ये बयान जो शंकराचार्य जी ने आज साफ कर दिया कि इसका कोई सवाल नहीं उठ रहा, उसको एक तरह से देश के सभी नागरिकों को भ्रमित करने का काम क्या कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही? देखिए, धन्यवाद नाविका, आपने एक रोचक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आज अपने दर्शकों के सामने और देश के सामने रखी है। देखिए, सच ये है कि इस चराचर जगत में ईश्वर की सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी पूर्ण नहीं है, केवल ईश्वर है जो पूर्ण है, बाकी सब कुछ जो कुछ भी है इस जगत में भौतिक, वो सब कुछ अपूर्ण है। भारत का संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया, तो क्या संविधान पूर्ण था? और अगर संविधान पूर्ण था तो 100 से अधिक संविधान के संशोधन क्यों किए गए? क्या संविधान अपूर्ण था तो क्या उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए? ये कुतर्क गढ़ने वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ कुतर्क गढ़ते रहेंगे, और ऐसे कुतर्क गढ़ते रहते हैं तो भारत को अपना संविधान भी नहीं मिल पाता, जैसे कुतर्क गढ़ने का काम आज कर रहे हैं। सच यह है कि सोमनाथ मंदिर में तब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी कुतर्क गढ़ा गया था, तब भी जवाहरलाल नेहरू जी ने यह भरपूर कोशिश की थी कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां
जाने ना पाए, तब भी यह कहा गया था कि देश के सेकुलर ढांचे को इससे चोट पहुंचेगी, जबकि संविधान की जो मूल प्रति है उस मूल प्रति में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुष्पक विमान से लौटते हुए का चित्र उसी मूल प्रति पर अंकित है। भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान नटराज का चित्र, भारत के तमाम आध्यात्मिक प्रतीक चिन्ह भारत के संविधान की मूल प्रति पर अंकित हैं। तो जो भारत को समझना नहीं चाहते हैं, भारत के मूल भावों को समझना नहीं चाहते हैं, वो इसी प्रकार से तरह तरह के विवाद उत्पन्न करना का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन इन विवादों से परे, ये कितने भी विवाद करें, सच ये है कि 22 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्ध योग में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो होने ही जा रही है। कांग्रेस आए या ना आए, समाजवादी पार्टी आए या ना आए, किसी के नहीं आने से यह कार्यक्रम टलने वाला नहीं है। 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जो लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं, आंखों में आंसू लिए भाव विह्वल होकर के, ये भारत के जनमन को पहचानना नहीं चाहते हैं। जाकर के देखिए कि आज कैसे कैसे गांवों में, गली मोहल्लों में, छोटे छोटे कस्बों में कैसे आयोजन किए जा रहे हैं, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जाकर अयोध्या के उस भाव को समझिए, प्रभु राम आ रहे हैं, लोगों के मन में इतनी प्रसन्नता है। लेकिन ये कांग्रेसी, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये आरजेडी के लोग, जेडीयू के लोग, ये विपक्ष के लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसमें विघ्न डाले जा सके, कैसे बाधाएं उत्पन्न की जा सके। ये विघ्न और बाधा डालने का काम त्रेता युग के समय में भी, द्वापर युग के समय में भी आसुरी शक्तियां किया करती थी। जब भी कोई अच्छा काम होता था, कोई यज्ञ होता था, हवन होता था, शुभ कार्य होता था, तो अस्थियां ले जाकर के डाल देते थे। यह आज बयानों की अस्थियां इसी तरह से डाल करके इसको सोचने प्रयास कर रहे हैं कि कभी कहेंगे कि चंदे में घोटाला कर दिया, जमीन में घोटाला कर दिया, तमाम प्रकार के आरोप लगा करके कैसे इस पूरे पवित्र कार्य पर कलंक लगाया जा सके, सवाल खड़े कर रहे हैं। और शंकराचार्य पर आरोप कौन लगा रहा है? कांची कामकोटी के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को पूजा से उठा करके गिरफ्तार करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, पाप किया था। और आज ये शंकराचार्य के पीछे खड़े होकर के बार बार ये कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा, आभार करूंगा, नाविका जी ने आपने इनके सारे झूठ के आज परखच्चे उड़ा दिए हैं। आज आप अपने इस टीवी स्क्रीन पर जब परम पूज्य शंकराचार्य जी को सामने ले आए ना, परम पूज्य शंकराचार्य जी ने इनके सारे झूठ आज बेनकाब कर दिए, तार तार कर दिए। कोई शंकराचार्य नाराज नहीं है, शंकराचार्यों का पूरा आशीर्वाद इस कार्यक्रम के साथ में है। हाँ, कांग्रेसी नाराज है, वो परेशान है, वो जानते हैं कि आज जो राममय वातावरण बना है ना, जो आज पूरे देश में महोत्सव का वातावरण बना है, इसका कहीं चुनावी लाभ भाजपा को ना मिल जाए, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए परेशान है हम।